वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक देखे थे, अब हम लोग देखेंगे 25 से हमारा लास्ट क्वेश्चन तक। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन मैथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को 1 माइनस टेन एक्स को अगर पुट करेंगे तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू टी, इस वैल्यू को टी मान लेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर माइनस इक्वल टू dx इक्वल टू dt। ओके, यानी माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा dt। और अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर dx। अब इसको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर एक्स dx जिसका वैल्यू है dt बट माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस में dt, तो डिवाइड में क्या है 1 माइनस टेन एक्स है। तो 1 माइनस टेन एक्स को हम लोग टी माने थे तो यहाँ पर लिखेंगे टी, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर टी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसे हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी का पावर माइनस टू, ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी का पावर माइनस टू, यहाँ पर प्लस टू में था तो ऊपर गया तो माइनस टू। देन अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी का पावर माइनस वन और माइनस वन, यानी एक पावर ऐड होगा और जो भी पावर आएगा वो नीचे भी आएगा प्लस में सी। देन यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी का पावर माइनस वन को लिख सकते हैं हम लोग वन बाई टी और प्लस में सी। ओके, अब ये टी का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो आई का वैल्यू क्या आएगा, आई का वैल्यू यहाँ से आएगा वन बाय टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू हम लोग माने थे वन माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। तो यह हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 इंटीग्रेशन फाइंड करना है कॉस रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करते हैं। तो इसमें पुट करेंगे रूट अंडर एक्स इक्वल टू टी, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये होता है 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 2 है उसको उधर भेजेंगे तो ये यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट उस साइड भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर i का वैल्यू हम लोग फाइनली लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos रूट अंडर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं t, यानी cos यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर एक्स dx, 1 बाय रूट अंडर एक्स dx, ये दोनों सेम है। इसके जगह हम लोग लिखेंगे 2dt, 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर एक्स जो cos के साथ है उसके जगह हम लोग t लिखे, उसके बाद 1, यहाँ पर 1 है 1 बाय रूट अंडर एक्स dx, 1 बाय रूट अंडर एक्स dx, इसके जगह हम लोग क्या लिखना था dt, 2dt लिखना था, 2 को बाहर निकाल दिया और dt को यहाँ लिख दिए। देन हम लोग फाइनली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का यानी cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन टी और प्लस में सी। फाइनली हम लोग टी का वैल्यू का पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन टी का वैल्यू रूट अंडर एक्स, तो 2 साइन रूट अंडर एक्स देन प्लस में सी। ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू में cos 2x dx, इसका हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को और वो होगा साइन 2x, इसका जगह हम लोग लिखेंगे t, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x और 2 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे जिसका वैल्यू होगा 2, 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा dx और इक्वल टू dt। ओके, अब यहाँ से इस 2 को हम लोग इस साइड भी ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा dt बाय 2। आई का वैल्यू को अब हम लोग पुट करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x, बट साइन 2x का वैल्यू को हम लोग साइन 2x को हम लोग t माने तो यहाँ पर लिखेंगे t, देन cos 2x dx, cos 2x dx, इसका जगह है dt बाय 2, तो ये हो जाएगा dt और बाय में 2, तो जो बाय में 2 था इसको हम लोग पहले लिख चुके हैं क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर ही लिखेंगे। उसके बाद फाइनली इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, रूट अंडर t का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर, ये अभी t का पावर 1 बाय 2 है, ये t का पावर 1 बाय 2 और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 3 बाय 2 और नीचे भी 3 बाय 2, तो यहाँ पर हो जाएगा t का पावर 3 बाय 2 और नीचे भी 3 बाय 2, बट ये जो नीचे 2 है
उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ओके तो ऊपर अगर ये जो टू था ये नीचे, इसको अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर टू हो जाएगा इंटू में टू, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो I का वैल्यू फाइनली आएगा T का पावर 3/2/3। और अगर यहाँ पर T का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है साइन 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, और इसका हॉल पावर कितना है, T का पावर 3/2 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 3 प्लस में कॉन्स्टेंट C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन फाइंड करना है, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन x। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को 1 प्लस साइन x इक्वल टू टी। ओके यहाँ पर 1 प्लस साइन x को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इक्वल टू dt। ओके अब यहाँ पर i का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं dt, और यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस साइन x को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो रूट अंडर t यानी dt बाय रूट अंडर t। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ये t जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t का पावर -1/2, और यहाँ पर dt नीचे है t का पावर 1/2 में, वो ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2। फाइनली यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो t का पावर -1/2+1, और वही चीज़ नीचे भी -1/2+1 और प्लस में c। और यहाँ पर अगर इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू t का पावर 1/2, और नीचे भी 1/2, बट इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, और 1 को हम लोग नीचे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में c। फाइनली इसे हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या माने थे, 1 प्लस साइन x, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x, और इसका पावर क्या है, t का पावर है 1/2, तो इसका पावर भी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, किसी का पावर 1/2 मतलब उसका रूट होगा, और यहाँ पर प्लस में कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इससे पहले दो क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है जो कि सिमिलरली इसी के जैसा है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। ओके यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या करेंगे, इसको इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, यानी आई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट यहाँ माइनस है तो माइनस डी टी, मीन्स साइन एक्स डी एक्स का जगह हम लोग डी टी लिख दे, क्योंकि यहाँ पर है दिया हुआ, अभी हम लोग निकाले, और यहाँ पर माइनस साइन को बाहर लिख दिए, डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने थे तो ये हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ -1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/t, या फिर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे 1/t का, तो 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t स्क्वायर। ये दो हम लोग टर्म को याद रख सकते हैं, -1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t और प्लस में कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ से t का वैल्यू को पुट कर देना, फाइनली 1 बाय हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस cos x जो कि t का वैल्यू है, और यहाँ पर प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा 1/1 प्लस cos x को, सॉरी यहाँ पर cot x होगा, 1/1 प्लस cot x का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो पहले इसे हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, लाइक इसे हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x, cos x बाय sin x, ठीक है। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर dx आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/sin x प्लस cos x बाय sin x, ये होगा एलसीएम लिया हम लोग, यहाँ पर एलसीएम लिया sin x का, तो ये हो जाएगा sin x इंटू 1 sin x, और यहाँ पर हो जाएगा cos x, और यहाँ पर dx, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर ये लिख चुके हैं, और उसके बाद इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे sin x है ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा sin x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, और यहाँ पर dx। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x,
और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब वो जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा टू साइन एक्स, ये कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स माइनस में है और ये प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है यहाँ पर साइन एक्स और साइन एक्स टू साइन एक्स, बट यहाँ पर वन साइन एक्स है तो यहाँ पर हम लोग टू से डिवाइड कर देंगे, तो टू साइन एक्स जो होगा टू कट जाएगा, टू से ये टू वाला कट जाएगा, और ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स तो ऐसे भी सिंपली कट ही रहा है, बट ये इसको हम लोग काटने के लिए नहीं लिखे, इसे हम लोग आगे यूज करने के लिए लिखे लाइक दिस। अगर इसे आगे हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होगा इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको एक साथ लिखेंगे, और ये वाला दोनों को एक साथ लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये जो क्या करेंगे हम लोग नीचे वाला टर्म को इससे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे अलग अलग तोड़ देंगे, ये हो जाएगा नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर हम लोग जो बीच में जो इस वाले डिवीजन को तोड़े हैं इसलिए ये वाला जो है दोनों के साथ बट गया, बराबर बराबर दोनों के साथ ये बट गया। अब ये वाला जो टर्म है ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म, तो हमारा वो वाला टर्म को अगर लिखेंगे आई इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो नीचे है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है बट यहाँ पर साइन उल्टा है, यहाँ पर साइन उल्टा है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस साइन लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लिए मतलब यहाँ से हम लोग माइनस साइन को बाहर निकाल रहे, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। सिंपली क्या किए दोनों का माइनस साइन को बाहर निकाले, तो ये जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया और ये जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, अब सेम हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, इस वाले पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होता है लॉग में ये नीचे वाला टर्म, लॉग में नीचे वाला जो भी टर्म है वो, तो आई का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाय टू लॉग नीचे वाला टर्म क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स दो बार लिखा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स, और यह साइन एक्स दो साइन एक्स होगा और यहाँ पर एक ही साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग दो से डिवाइड भी कर दिए ताकि एक साइन एक्स ही बचे। अब ये इसको हम लोग एक बार में लिखे और इसको हम लोग अलग से लिखे, और जो ये टर्म था इसको दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर दिए, ये वाला टर्म इक्वल था इसलिए ये वाला टर्म कट गया कैंसिल हो गया, देन बचा फाइनली ये वाला टर्म, तो इसको हम लोग लिखे। अब यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर निकाले, माइनस बाहर निकालने के कारण यहाँ का माइनस प्लस हो गया और यहाँ प्लस था जो कि माइनस हो गया। इस केस में हम लोग देखेंगे कि नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है सिमिलरली, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है लॉग में नीचे वाला टर्म, तो लॉग में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो बाहर था माइनस वन बाय टू वो बाहर ही लिख दिए माइनस वन बाय टू, तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें क्वेश्चन है 1 बाय 1 माइनस 10x का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा ही बनेगा सिमिलर, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस 10x, तो 10x को हम लोग डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स में, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये cos x ऊपर चल जाएगा cos x और डिवाइड में यहाँ से cos x into 1 cos x और माइनस यहाँ पर sin x, तो ये हो जाएगा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 32 की जैसा यहाँ पर आ जाएगा dx, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे ये हो जाएगा cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस साइन एक्स है और प्लस साइन एक्स है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू कॉस एक्स, बट यहाँ पर वन ही है इसलिए यहाँ पर टू से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल इसके बराबर। उसके बाद क्या करेंगे ये वन बाय टू बाहर आ गया, देन इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे, मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर अब इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या देंगे साइन प्लस का प्लस, यहाँ पर होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डिवाइड में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
तो हो जाएगा cos x plus sin x plus sin x, और डिवाइड में क्या होगा cos x minus sin x, तो डिवाइड में होगा cos x minus sin x, cos x minus sin x यहाँ पर dx, ओके okay? अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओके okay? यहाँ से बचेगा ये वाला टर्म, तो i इक्वल टू क्या बचेगा 1/2, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा कैंसिल, यानी यहाँ पर बचा इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 1 बचा, ओके okay? और यहाँ पर बचा प्लस cos x plus sin x, cos x plus sin x, और डिवाइड में क्या होगा cos x minus sin x, cos x minus sin x, ये हो गया, और यहाँ पर dx। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा ये जो है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा x और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x by 2, फिर ये प्लस ये 1/2 इसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी पहले लिख देते हैं, ये वाला इसको यहाँ से गुणा कर दी थी, ये हो गया 1/2, और उसके बाद हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, बट उसका जो साइन है यानी नेगेटिव का साइन वो यहाँ पर सेम नहीं आ रहा, तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग इस वाले टर्म नीचे से अगर हम लोग माइनस बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर निकालेंगे तो दोनों टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, जो कि ऊपर है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन यहाँ प्लस sin x है, बट यहाँ पर माइनस cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, जो माइनस cos x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x होगा, यानी इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, यानी टोटल नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर क्या होता है लॉग में नीचे वाला टर्म, तो लॉग में नीचे वाला टर्म क्या है माइनस cos x प्लस sin x, तो हम लोग पहले sin x को लिख सकते देते हैं और उसके बाद माइनस cos x, बट यहाँ पर जो ये माइनस लगा है ये माइनस जो है इसको माइनस कर देगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये वाला जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग नीचे वाला टर्म, नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे वाला टर्म है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट एड हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी, तो यह हमारा सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 32 में एक करेक्शन कर लीजिएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर काट कर ये जो एक है वो मैंने नहीं लिखा था, वो भूल गया था, तो यहाँ पर वो एक आएगा और वो एक के बाद यहाँ पर x by 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x by 2, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है इंटीग्रेशन फाइंड करना, हम लोग को √10x डिवाइडेड बाय sin x into cos x, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, i इक्वल टू √10x, नीचे में साइन एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हम लोग कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स और यहाँ डीएक्स, ओके, दोनों ऊपर और नीचे मैंने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स यहाँ पर होता है कोटेक्स, लेकिन अगर वो नीचे लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोटेक्स का उल्टा होता है टेन एक्स, यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा cot x, जो कि ऊपर है, लेकिन अगर उसको नीचे लिखेंगे तो वो हो जाएगा tan x, तो यहाँ पर ऑलरेडी tan x है तो इसको tan x लिख देते हैं, डिवाइड में ये दोनों जो स्टार मार्क किए उसके जगह हम लोग लिखेंगे tan x, और यहाँ पर cos x into cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पर dx, ओके, अब क्या करेंगे, ये tan x को √10x से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा √10x, ठीक है, ये दोनों को काटे तो यहाँ पर आया √10x, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नीचे आएगा √10x dx, और ये जो cos स्क्वायर x है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट क्या करेंगे 10x को, तो 10x इक्वल टू इसको हम लोग t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x यहाँ पर dx इक्वल टू dt, हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे i में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, i इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx का जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dt इंटीग्रेशन ऑफ dt, और नीचे है √10x, तो 10x का जगह हम लोग t लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √t,
अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, ये हो जाएगा टी का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, ये टी का पावर नीचे में है 1/2 बट ऊपर जाएगा तो -1/2, और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 + 1, और यहाँ भी -1/2 + 1 और प्लस में सी। अब ऐड करेंगे पावर को तो हमारा आंसर होगा टी का पावर 1/2 और नीचे भी 1/2। फाइनली ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 और टी का पावर 1/2 यानी रूट टी, और टी का वैल्यू हम लोग क्या माने थे 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 10x प्लस सी। मैंने क्या किया, ये जो 1/2 था उसको मैंने ऊपर भेजा तो ये हो गया 2, उसके बाद टी का पावर 1/2 यानी रूट टी, और रूट टी टी का जगह क्या हम लोग माने थे, टी का जगह हम लोग माने थे 10x, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 10x प्लस सी। तो हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है 1 + log x / x, 1 + log x² / x, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू को 1 + log x = t, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, log x का होगा 1/x dx = dt, ओके। और यहाँ पर 1/x dx लिख भी रहा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x, इसका वैल्यू है टी, तो ये हो जाएगा टी, इसका स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, देन 1/x dx, 1/x dx का वैल्यू क्या है dt है, यहाँ पर हो जाएगा dt। सिंपली इसको इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे तो हो जाएगा टी का पावर 3/3 + c, टी का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी का वैल्यू क्या है 1 + log x, तो 1 + log x / 3, 1 + log x / 3, और इसका हो जाएगा क्यूब और प्लस में सी, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x + 1 × x + log x² / x, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसका आंसर होगा आई इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे पहले, तो यहाँ पर पुट करेंगे x + log x = t, ओके। यहाँ पर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो x का हो जाएगा 1 + log x का होगा 1/x, और ये हो जाएगा dx = dt, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसे थोड़ा सा सजाऊंगा, मीन इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा x + 1/x dx = dt, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे x + 1/x, तो यहाँ पर देखेंगे कि x + 1/x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी इसके जगह हम लोग dt को पुट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x dx, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं dt, और x + log x का जगह हम लोग क्या माने t माने, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे t, और इसका क्या है पावर में 2 है, तो इसका पावर 2 लिख देंगे t का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो हो जाएगा t का पावर 3, एक पावर बढ़ जाएगा और वही पावर नीचे भी आएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। t का वैल्यू को हम लोग फाइनली पुट करेंगे तो t का वैल्यू हमें माने थे क्या x + log x, तो हो जाएगा यहाँ पर x + log x / 3, और इसका क्या होगा होल क्यूब प्लस में कॉन्स्टेंट सी, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा x³ × sin 10 inverse x^4 / 1 + x^8, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसमें पुट करेंगे पुट x^4 यानी ये वाला टर्म को x^4 = t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x³ dx = dt, ये वाला 4 को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 4। अब क्या करेंगे i का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ × dx, इसका जगह क्या है, इसका जगह हम लोग रख सकते हैं dt/4, x³ × dx का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt/4, ये हो जाएगा dt/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है sin 10 inverse x^4, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं sin, ये इंटू में sin 10 inverse, तो 10 inverse x^4, और 4 x^4 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं t, तो ये हो जाएगा 10 inverse t। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे में 1 + x^8 है, ये हो जाएगा 1 + x^8 को हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं x^4 × x^4, तो ये हो जाएगा x^8,
और x का पावर 4 का हम ले सकते हैं t, तो ये हो जाएगा ये t का स्क्वायर, इसके लिए भी t और इसके लिए भी t, और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा ये 1 + t स्क्वायर। यहां पर हम लोग आगे क्या करेंगे कि पुट करेंगे i = सॉरी यहां पर हम लोग पुट करेंगे tan इनवर्स t, tan इनवर्स t इक्वल टू u। हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग को दो बार पुट करना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व होगा। तो tan इनवर्स t का जगह हम लोग u लिखे हैं, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1 / 1 + t स्क्वायर। जिस तरह से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 / 1 + x स्क्वायर, उसी तरह से tan इनवर्स t का भी मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया। और यहां पर हो जाएगा dt और यहां हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन du। ऐसे t का डिफरेंशिएशन dt होता है, उसी तरह से u का डिफरेंशिएशन du। अब क्या करेंगे, i का इसमें i का वैल्यू को पुट करेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं ये dt को बाद में यहां पर सॉरी यहां पर dt है, dt / 1 + t स्क्वायर, dt / 1 + t स्क्वायर को हम लोग क्या सकते हैं dt / 1 + t स्क्वायर, इसका जगह du लिखेंगे d। यहां पर ये dt और ये 1 + t स्क्वायर पूरा, इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे du, क्योंकि यहां पर भी है dt / 1 + t स्क्वायर, और यहां पर है क्या sin tan इनवर्स t, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग sin sin tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं u लिख सकते हैं sin u। अब क्या करेंगे, ये जो du है इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले sin u को लिखेंगे sin u और यहां पर du, ठीक है, और ये डिवाइड में 4। अब देखें यहां पर कुछ छूटा तो नहीं है, ये dt / 1 + t स्क्वायर की जगह आ गया du जो कि यहां पर मैंने लिखा, उसके बाद sin tan इनवर्स t, तो sin tan इनवर्स t का जगह हम लोग क्या माने थे u माने थे, तो यहां पर आ गया u और उसके बाद जो 4 डिवाइड में था ये मैंने यहां पर लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin u का इंटीग्रेशन होगा माइनस में cos u, sin u का इंटीग्रेशन क्या होगा i इक्वल टू sin इनवर्स u, sin u का, sin u का इंटीग्रेशन होता है cos u और ये हो जाएगा 4 और प्लस में c, यहां पर माइनस cos u होता है sin इनवर्स u का, ये वाला जो टर्म है ये u है u और ये है 4। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू का हम लोग फाइनली पुट करेंगे, ये i बराबर हो जाएगा माइनस cos u का वैल्यू क्या माने हम लोग, u का वैल्यू tan इनवर्स t, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स t, बट t को भी हम लोग कुछ माने थे, t को क्या मानते थे x का पावर 4, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस में c और ये डिवाइड में और डिवाइड में 4। ओके तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, i इक्वल टू माइनस cos tan इनवर्स माइनस cos u का जगह हम लोग क्या लिखे, u का जगह tan इनवर्स, tan इनवर्स उसके बाद x का पावर 4 कैसा आया, तो यहां पर tan इनवर्स का बाद था t, यानी इसका एंगल था t, बट t का भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को यहां पर लिखे थे, t को भी हम लोग कुछ माने थे, तो t को क्या माने थे x का पावर 4, और इसलिए मैंने यहां पर x का पावर 4 लिखा है और डिवाइड में 4 प्लस में c। ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 27, ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 37 का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 38 नंबर। तो क्वेश्चन हमारा है tan x का पावर 9 प्लस tan का पावर x log 10 डिवाइडेड बाय x का पावर 10 प्लस tan का पावर x, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आई होप इसको आप देखकर लगेगा कि बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन है, बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसी तरह से ये बहुत ज्यादा ही इजीली वे में सॉल्व होगा। तो इस चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखा है, क्या प्रॉपर्टी सीखा है, अगर इंटीग्रेशन में नीचे वाला टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो नीचे वाला टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे और वो एग्जैक्टली ऊपर वाला आ गया, तो उसमें होता है लॉग के अंदर नीचे वाला टर्म। तो इसमें हम लोग देखेंगे i इक्वल टू लॉग नीचे वाला टर्म x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c। ये क्यों होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि 10 का पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा सॉरी x का पावर 10 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ये 10 पहले आएगा, x का पावर 1 घट जाएगा, यानी 10 x का पावर 9, यानी इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 10 का पावर x, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट क्लास में, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिखाया था, अगर a के पावर x होगा, एक यानी ये यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, a का पावर अगर x रहेगा और इसका हम लोग को क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है a का पावर x log में a, ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, a का पावर x का डिफरेंशिएशन। तो अगर यहां पर 10 का पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होगा, a का पावर x यानी 10 का पावर x इनटू में log a यानी log 10, तो नीचे वाला टर्म यानी इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ये वाला है और इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ये वाला है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं log में नीचे वाला टर्म यानी x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x,
तो यह हमारा वन लाइन में इसका सॉल्यूशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है dx by sin square x into में cos square x। चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसमें I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर वन है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब वन होगा। अब वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है वो वन होता है, यानी वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं ये दोनों से डिवाइड करूंगा, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स को, मतलब कि दोनों टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब इसका, यानी कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी डी एक्स, देन यहाँ पर भी डी एक्स, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा आई इक्वल टू वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स और यहाँ पर बचेगा वन बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ओके। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाता है कॉस एक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ऊपर ले जाना मतलब इसको उल्टा करना, इसको अगर उल्टा पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है एंड कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा कॉट एक्स और एक कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी, ओके। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो का हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो जरूर से कमेंट कीजिए और इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।